हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज जीएस पेपर वन एज वेल एज हिस्ट्री, जिसने वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री को लिया है, उनके लिए भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण का पार्ट फोर मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों का जो कमेंट है वो बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे हैं मुझे। इससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो और बनाती रहूं। मैंने कल करंट अफेयर की पहली वीडियो डाली जिसपे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तो इसी तरह की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। आज हिस्ट्री का ये पार्ट फोर कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब कि ये टॉपिक हिस्ट्री का यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। तो इसकी PDF आज मैं अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और कल भी मैंने करंट अफेयर्स की PDF और जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था जनसंख्या के, उसकी PDF भी मैं डाल चुकी हूँ अपने सक्सेस मंथ पेज और टेलीग्राम चैनल पे। उस पर जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। आज इसका टॉपिक का जो PDF है वो पड़ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट शुरू करूँगी तो उसके जब सारे पार्ट कम्प्लीट हो जाएंगे तो एक ही साथ आपको PDF मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि जो PDF मैं प्रोवाइड कर रही हूँ करंट अफेयर के, अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो में मैंने अंदर डीपली काफ़ी डिस्क्रिप्शन के तौर पे बहुत डीपली समझाया है। तो पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि PDF तो वन लाइनर है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। PDF वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो इंटरनेट पे उसकी भरमार है, लेकिन जो मैंने वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में समझाया है उसको आप जाके ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एज वेल एज़ वो मेंस में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं ज़्यादातर फोकस मेंस पर ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस मेंस के बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन पूरी करवाना है। तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर की सीरीज़ भी मेंस को ही ध्यान में रखकर बनाई है, कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह प्री के लिए मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन ला रही हूँ उसमें भी थोड़ी बहुत मैं डिटेल्स बताऊँगी, ताकि आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, क्योंकि फैक्ट्स तो चाहे आप मेंस लिखो चाहे प्री लिखो, आप फैक्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। तो इसी के हिसाब से आप अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू करिए। आपको पॉइंटर मैं देती जा रही हूँ, उसी पर आप लोग आंसर राइटिंग करिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज इसका पार्ट फोर करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया, विशेषताएं की, काल किए, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण में दो स्रोत किए थे, पुरातात्विक स्रोत देखे थे, साहित्यिक स्रोत में भी देशी साहित्य और विदेशी साहित्य देखा था। देशी साहित्य भी दो टाइप का होता है, धार्मिक और धर्मेतर। धर्मेतर को लौकिक साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य के बारे में ये मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स तक दिए हैं इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब लास्ट वीडियो में किया था, तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम करेंगे धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य का मीन्स होता है लौकिक साहित्य, जो कि धर्म से थोड़ा सा हटकर बुक्स लिखी जाती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा। तो इसमें जो लौकिक साहित्य है इसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों और जीवनियाँ जो होती हैं, जीवनियाँ जीवन चरित्रीय विशेष रूप से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो इससे इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है हम लोगों को। इसमें सबसे पहला नाम, वैसे तो आप थोरली पहले इसे पढ़ लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिनी, पारणी की अष्टाध्यायी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, वैज्ञानिक और खगोल साहित्य, जीवन चरित आदि। ये जितनी बुक्स हैं ये बहुत ही कम मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो देखने के लिए कि आप इसी की तरह ही आंसर और बुक्स इसी की तरह इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कालिदास की मालविका अग्निमित्र, अश्वघोष की बुद्ध चरित, बाणभट्ट की हर्ष चरित, इस टाइप की बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं, मैं इसको आप थॉरली समझा देती हूँ कि इसमें और क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र, जैसा कि बहुत ही ये पॉपुलर बुक है, इसकी रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, जो उन वो राजनीतिज्ञ थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसमें जो अर्थशास्त्र की बुक है इसमें मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है।
और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि कश्मीर के कवि जो कल्हड़ हैं उनकी राजतरंगिनी बुक है। ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास है इस बुक में, राजतरंगिनी में। और इसमें आदिकाल से लेके 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासनकाल की घटनाओं का क्रम से विवरण दिया गया है राजतरंगिनी में। कश्मीर की ही बात है, गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सोमेश्वर कृत रसमाला, कीर्ति कौमुद्री, और ये दोनों जो बुक्स के नाम मैंने बताए ये दोनों सोमेश्वर द्वारा लिखी गई हैं। मेरुतुंग ने लिखी है प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर ने लिखी है प्रबंध कोश, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। और इन जो बुक्स मैंने अभी नाम लिए इनसे गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास, उनके समय, उनकी संस्कृति के बहुत अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं इन्हीं बुक्स में और हम देखते हैं, जैसे कि पारिणी की अष्टाध्यायी है, कात्यायन की वार्तिका है, गार्गी संहिता है, पतंजलि की महाभाष्य है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, बहुत सारी ऐसी बुक हैं। और जो पारिणी और कात्यायनी के जो ग्रंथ हैं, जो उनके व्याकरण ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उनसे मौर्यों के इतिहास और मौर्य की जो राज्य व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो पारिणी ने बुक लिखी है, पारिणी ने लिखी है अष्टाध्यायी, इसमें जो सूत्र को समझाने के लिए उदाहरण उन्होंने जो दिए हैं, उससे हमें वहाँ के उस टाइम के सामाजिक और आर्थिक ज्ञान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। और इससे उत्तर भारत, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उसकी भूगोल की भी जानकारी हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। कालिदास की जो मालविका अग्निमित्र है, उसमें शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियां जो हुई थी उस टाइम, कालिदास ने जब लिखी थी ये मालविका अग्निमित्र, तो उसका विवरण यहाँ पर दिया जा सकता है। अब ऐसे ही ऐतिहासिक जो जीवनियां हैं उसमें हम बात कर सकते हैं अश्वघोष की बुद्ध चरित, बाणभट्ट की हर्षचरित, वाक्पति की जो गौडबहू है, विल्हड़ का है विक्रमांक देव चरित, और बहुत सारी ऐसी बुक है, जैसे कि हेमचंद्र की है कुमार पाल चरित, जयानक की है पृथ्वीराज विजय, और भी बहुत सारी बुक हैं। जैसे और भी मैं बात कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने बताया बुद्ध चरित, बुद्ध चरित में नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि गौतम बुद्ध के चरित्र का इसमें वर्णन हुआ है, ऐसे ही हर्षचरित में हर्षवर्धन जो सम्राट थे हमारे, उनके जीवन और उनके समय में कैसा समाज था, कैसा धर्म था, इसकी सूचना हमें मिलती है। गौडबहू जो बुक थी उसमें कन्नौज के जो राजा यशोवर्मन थे कि गौड नरेश के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और उसका वध किया था, उसका वर्णन गौडबहू में है। विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य वंश नरेश विक्रमादित्य 6 का चरित्र उसमें वर्णित है। ऐसे ही रामचरित से बंगाल के पाल वंश का शासन, धर्म और वहाँ का उस समय का समाज का ज्ञान प्राप्त होता है। आनंद भट्ट ने लिखी थी बल्लाल चरित, तो इससे सेन वंश के इतिहास और उसकी संस्कृति का यहाँ पता चलता है। ये जो मैं बुक्स के नाम बता रही हूँ ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, और कौन सी बुक में क्या चीज़ें दी गई हैं ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ऐसे ही आगे बात करते हैं, कुमार पाल चरित में चालुक्य जो शासक थे, जैसे कि जयसिंह, सिद्धराज, कुमार पाल, इनके जीवन चरित्र और उनके समय की घटनाओं के बारे में पता चलता है। जब हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हम साहित्य के बारे में बात करें तो आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वीराज विजय से चाहमान राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जीवनियाँ हैं जिससे प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है। राजशेखर ने लिखी है प्रबंध कोश, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, इससे क्या ज्ञान होता है, इससे राजपूतकालीन जो समाज था और धर्म था उस पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही उत्तर भारत के, जैसे उत्तर भारत की बुक्स के अभी मैंने नाम बताए, ऐसे ही दक्षिण में भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिन्हें तमिल ग्रंथ मेनली दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं। तमिल देश का प्रारंभिक इतिहास मूलतः हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
ऐसे कलिंग तू पढ़नी बुक है, उसमें चोल सम्राट कलोतुंग प्रथम की कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है और तमिल के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में भी काफ़ी साहित्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें महाकवि पंप द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय जो कि भारत में हुई थी और रणकृत गदा युद्ध इसमें एक विशेष महत्व रखता है। इनसे चालुक्य और राष्ट्रकूट का जो इतिहास था उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है हम लोगों को। तो ये काफ़ी सारी बुक्स के नाम मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने मैंने बताए हैं उतने ही आप लोग याद करें, ये तो जो यहाँ पे पॉइंटर दिए ही हैं, बाकी जो आप लोग और याद कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं वो आप इसमें लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं, देशी स्रोत वहीं ख़त्म होते हैं धार्मिक और धर्मेतर साहित्य पे। अब हम विदेशी स्रोतों की बात करते हैं। विदेशी स्रोतों में ग्रीक और रोमन स्रोत हैं, अरबी स्रोत हैं, चीनी स्रोत हैं, तिब्बती स्रोत है और सिंहली मतलब श्रीलंका की तरफ के सिंहली स्रोत है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीक और रोमन जो भी स्रोत हैं, जैसे उनके लेखक हैं, उनके कौन कौन से लेखक हैं, क्या क्या बुक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये जो टेसियस था ये ईरान का राजवैद्य था। इसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में इससे ही जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक जैसे कहानियाँ लिखी जिसको भी यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका अविश्वसनीय इसका स्रोत कहा जा सकता है। इसी तरह हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी जो पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका उसमें 5वीं शताब्दी से पहले की भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। ये भी जो वर्णन इसने किया है ये भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसको भी हम लोग बहुत ही विश्वसनीय नहीं मान सकते। ऐसे ही आगे बात करते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस था, आने सिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस था। और इसके जो इन तीनों के विवरण थे वो अपेक्षाकृत ऊपर वाले जो मैंने बताए आपको उनके विवरण से अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय हम लोग कह सकते हैं। इन लेखकों का जो उद्देश्य था वो अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारत के बारे में बताना था कि भारत में कैसी संस्कृति है, सभ्यता है। तो इनका वृत्तांत हम यथार्थ कह सकते हैं। सिकंदर के बाद जो लेखक आए उसमें 3 राजदूत थे, मेगनेस्टिस, डायमेकस और डायोनीसियस। ये जो राजदूत थे ये यूनान के शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इसमें मेगनेस्त जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी बुक लिखी थी इंडिका, इंडिका में इसने बताया था मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति कैसी है। ऐसे ही जो डायमेकस था वो सीरियन जो नरेश थे एंटियोकस उसका राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में ये आया था। और नेक्स्ट जो डायोनीसियस था ये मिश्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। और भी ऐसे अन्य ग्रंथ हैं जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, टॉलमी का भूगोल, प्लीनी की नेचुरल हिस्ट्री, इनका भी उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस का जो लेखक है वो 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने वहाँ के बंदरगाह और जो भी व्यापारिक वस्तुएं हैं उसके बारे में बताया था। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए जो इसका विवरण है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में टॉलमी जो लिखा था वो भारत का भूगोल, प्लीनी का ग्रंथ 1वीं शताब्दी ईस्वी का कहा जा सकता है। प्लीनी के ग्रंथ में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही हम बात करें अगर चीनी लेखकों की, तो चीनी जो बौद्ध यात्री थे वो बौद्ध के मतानुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने भारत आए थे ये लोग। वे भारत का उल्लेख यन तू नाम से करते थे, यन तू नाम से भारत का इन्होंने उल्लेख किया था। इनके 4 के नाम इनमें से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, 4 के, जैसे कि फाहियान, संयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग, इन 4ों के बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है उसके दरबार में आया था और इसने मध्य प्रदेश जो हमारा हृदय प्रदेश भी कहा जाता है इसकी संस्कृति का वर्णन किया था। हुएनसांग
जो था वो उसने महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये यहाँ पर आया था और यहाँ पर उसने 16 वर्ष तक निवास किया और यहाँ विभिन्न जो स्थान थे वहाँ की यात्रा की और जो भी यात्राएं की उसका इसने विवरण दिया, जिसे सीयू की नाम से कहा जाता है, उसमें इसने उसका विवरण दिया है और इसमें 138 देशों के विवरण दिए गए हैं ह्वेनसांग ने जो दिया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इत्सिंग की, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु ह्वेनसांग के समान इसका जो विवरण है इतना उपयोगी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे और चीनी लेखक आए थे, जैसे कि मातवान लिन, चाओ जू कुआ, ऐसे बहुत सारे नाम उल्लेखनीय हैं। चाओ जू कुआ है जिसने चोल इतिहास के बारे में बताया था और मातवान लिन ने हर्ष के जो पहले पूर्वी अभियान के विषय में बहुत सारी सूचनाएं दी थी। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं अरबी लेखकों की, तो अरबी लेखकों में अल बरूनी का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जिसे खीवा भी कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था और इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। इन्हें गणित, विज्ञान, ज्योतिष के साथ साथ अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और जो अल बरूनी थे उन्हें भारत में गीता में बहुत विशेष रूप से दिलचस्पी थी। इन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में अपने यहाँ के निवासियों की दशा का यहाँ पे वर्णन किया है, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, तहकीक हिंद। अल बरूनी के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे थे जैसे कि अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी, हसन निज़ाम, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन आदि बहुत सारे मुसलमान लेखक हैं। ऐसी हम आगे बात करते हैं तो मीर मोहम्मद मसूम के तारीख़ हिंद और तारीख़ मसूमी से सिंध देश के इतिहास, जब अरब का आक्रमण भारत पे हुआ था, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही शेख अब्दुल हसन ने कमिल उत तारीख में मोहम्मद गौरी के विजय का वर्णन किया है, तो और मिनासुद्दीन ने तबकात नासिरी में भी मोहम्मद गौरी ने जो हिंदुस्तान विजय किया था उसके बारे में बताया गया है। तिब्बती लेखकों में हम बात करते हैं तो बौद्ध लेखक तारानाथ, जो कि 12वीं सदी के हैं, इनके ग्रंथ थे कंगयूर और तंगयूर, इससे भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आया था, ये पांड देश की यात्रा पर आया था और इससे पांड्य इतिहास के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे ऐसे मैंने राइटर्स के नाम बताए, लेखकों के, जिसके बारे में हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं भारत के विषय में। तो आशा है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।